ready. क्या KGF 2 से भी बड़ी होने वाली है जवान मूवी? जी अगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या अपकमिंग फिल्म जो है जवान शाहरुख खान की, जो कि सितंबर में रिलीज होगी, तो क्या वो KGF 2 से भी ज़्यादा बड़ी होने वाली, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा फाइनली। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिना टाइम का वीडियो को करते स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से वालों को बता दूं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के अनुसार हम लोग छोटा मोटा कंपैरिजन करेंगे। मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ी चार पाँच मिनट की वीडियो बन जाए, ठीक है। मैं चाहूँगा कि जल्दी से हम लोग छोटा मोटा कंपेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मूवी KGF की। मैं आपको बता दूँ KGF मूवी जो है वो यहाँ पे एक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली। जी हाँ, यहाँ पे जो मूवी है ये प्रशांत नील यूनिवर्स का हिस्सा, जिसमें हमें सलार और बाकी मूवीज देखेंगे। बट अभी जो दो मूवीज यूनिवर्स की रिलीज हुई है वो है KGF 1, KGF 2। तीसरी मूवी जो इस यूनिवर्स की आएगी वो आएगी सितंबर 28 को, यानी कि सलार मूवी। जी हाँ, अगर बात करें आपकी कि क्या जवान बड़ी हो सकती है, तो देखिए जवान को अगर हम लोग देखा जाए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कंपैरिजन में, तो इतना तो डन है कि जवान मूवी अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 100 करोड़, मेरा मतलब पहले दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 करोड़ से ज़्यादा तो करेगी, इतना तो सबको पता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा। तो अगर हम लोग इसका KGF 1 से कंपैरिजन करें तो आई थिंक सो KGF 1 थोड़ी वीक पड़ सकती है। बट अगर आप KGF 2 की बात करें तो KGF 2 ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी 165 करोड़ से भी ज़्यादा, या 165 करोड़ मूवी ने दुनिया भर से अपने पहले दिन पर कमाई की थी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात करें जवान मूवी की, तो हाँ जवान मूवी इससे ज़्यादा कमाई कर सकती है, बट ये थोड़ा बहुत मुश्किल पड़ेगा क्योंकि KGF 2 को KGF 1 के कारण बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला था पब्लिक से, और लोग उस फिल्म के लिए पागल हो गए थे। यहाँ तक कि मैं भी इस मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो गया था, 6 बजे सुबह उठ के, यार 6 बजे का शो था, पूरा शो हाउसफुल था, और उस दिन के और उसके अगले 2 से 3 दिन के सभी शोज लगभग हाउसफुल होना चालू हो गए थे, और मैं जानता हूँ मुझे कैसी टिकट मिली थी। जी हाँ, तो KGF 2 का क्रेज़ तो अलग ही था और अनबिलीवेबल था। मतलब यार अगर हम लोग बात करें मूवीज़ के बारे में, अगर नॉर्मल हम लोग मूवी देखे इतना, तो बाहुबली 2 के बाद जो अगला क्रेज़ मुझे सबसे बड़ा एक सीक्वल मूवी भी देखने को मिला था, वो थी सिर्फ और सिर्फ KGF 2, यानी कि कोलार गोल्डफील्ड पार्ट 2 में। तो हाँ, तो जी हाँ, KGF 1 से कंपेयर करें तो जवान तो सीधा सीधा क्लीन विनर है, बट यहाँ पे KGF 2 से अगर कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पे मूवी जवान टक्कर लेते हुए दिखेगी। तो हम देखना ये होगा कि क्या होगी यहाँ पे कलेक्शन में उनका, क्योंकि हमें यहाँ पे मूवी की एक अच्छी सी कहानी ही नहीं पता। जब हमें इस मूवी का, यानी कि जवान मूवी का टीज़र ट्रेलर देखने मिलेगा, सॉन्ग देखने मिलेगा, तो हमें पता चलेगा मूवी की स्टोरी क्या है, प्लॉट क्या है, एंड देन वी विल डिसाइड दैट हु इज़ द क्लीन विनर इस दिन इन दिस, समझ जाओ यार, लड़ाई में, ठीक है। तो इस क्लैश का कौन विनर होगा देखते हैं हम लोग। हालांकि मूवी क्लैश नहीं हो रही, KGF 2 पिछले साल रिलीज हुई थी, बट यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन वाइज देखें तो फिलहाल जवान अभी अच्छी दिख रही है, बट फिलहाल के लिए KGF 2 यहाँ पे विनर दिख रही है, बट वी विल सी कौन है आपका विनर, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। टिल देन मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।